एवरीवन, स्वागत है आपका स्वाद विद शोभा में। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल स्वाद विद शोभा को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैंने 1/4 कप आटा लिया हुआ है जो कि लगभग 125 ग्राम्स है। यहाँ पर मैंने हाफ बॉल चीनी ली हुई है जो कि लगभग 70 ग्राम्स है। हाफ बॉल यहाँ पर दूध लिया हुआ है जो कि लगभग 50 ml है। हाफ टेबल स्पून पिसी हुई इलायची ली हुई है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चीनी को मिक्सी ग्राइंडर में पीस लेंगे जिससे ये दूध में आराम से घुल जाएगी। सबसे पहले थोड़ा सा दूध को गुनगुना करना है जिससे कि चीनी आराम से मिल जाए। अब दूध थोड़ा सा गर्म हो गया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। और जो दूध गर्म हो गया था और यहाँ पर हमने पिसी हुई चीनी कर ली है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। दूध गर्म करने से चीनी आराम से और जल्दी घुल जाती है। चीनी और दूध मिल गया है, इसमें हम जो हमने यहाँ पर इलायची ली हुई थी अब इसमें डाल देंगे। इसको भी चला लेंगे। और जो हमने आटा लिया हुआ था इसमें अब थोड़ा थोड़ा डाल करके मिलाएंगे। और ये आटा बन करके तैयार हो गया। यहाँ मैंने किस क्वांटिटी में इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं वो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसकी इस तरह से लोई बनाकर रख लिए हैं। अब इसको हम बेल लेंगे और इसको हल्का सा आटा लगा लेंगे। इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है। इसको हमें इतना मोटा रखना है। इसी तरह हम सारी पूरी बेल लेंगे। इसको इस तरह से मोटा रखना है। अब पूरी तलने के लिए हम घी गरम कर लेंगे। फ्लेम हाई है अभी। हमारा घी गरम हो गया है या नहीं इसको चेक करने के लिए छोटी सी लोई बनाकर इसमें डाल देंगे। देखिए हो गया। यहाँ पर जो हमने पूरी बेल के रख रखी थी इसको हम डाल देंगे। इसको हम आराम से पलट देंगे। फ्लेम हम मीडियम कर देंगे अब, क्योंकि इसको तेज में सेकने से ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इसको हम निकाल लेंगे। इस तरह से करने से जो एक्स्ट्रा घी होता है वो निकल जाएगा। सभी सेक लेंगे। इस तरह से बनाने में सबसे विशेष बात इसमें यह है, इसमें घी ज़्यादा नहीं लगता। आप इसको भूख के लिए तो बनाएंगे ही, पर ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी कि आपका रोज मन करेगा इसको बनाने का। यदि हम इसको ज़्यादा पतला बेलेंगे तो ये हार्ड हो जाएंगी ठंडा होने के बाद, और फ्लेम हमारी मीडियम ही है अभी, ये अंदर तक सिक जाती है। इसी तरह हम सभी पूरी को तल लेंगे। भोग के लिए बन करके तैयार हो गए हैं रोट। ये इसको बनाना भी बहुत आसान है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। बस इसको बनाते समय एक दो बातों का ध्यान रखना है। जब इसका आटा हम तैयार करें तो उसमें हमें दूध ही डालना है,
और इसकी पूड़ी मोटी ही रखनी है।